40 वर्ष की उमा अब भी बेहद फुर्तीली औरत थी। रोज सुबह जॉगिंग करना, योगा करना और अपने फिटनेस का पूरा ख्याल रखना उमा की एक अच्छी आदत थी। वहीं दूसरी तरफ उमा की बहू योगिता बहुत ही ज्यादा आलसी औरत थी। योगिता को देर तक सोना और हमेशा आलस में पड़े रहना बेहद पसंद था। ऐसे ही एक दिन उमा जॉगिंग करके आती है और योगिता को आवाज लगाती है। योगिता, योगिता बहू, कहाँ हो तुम? कितनी देर हो चुकी है, अभी तक उठी नहीं हो क्या? अगर अभी तक उठी नहीं हो तो नाश्ता कब बनाओगी? जल्दी से उठ जाओ। योगिता के जवाब न देने पर वह उसके कमरे में जाती है और देखती है कि योगिता आराम से एसी चलाकर चादर ओढ़े सो रही है। उमा योगिता को जोर से हिलाते हुए बोलती है, योगिता सुबह के 8 बज गए हैं, तुम अभी तक सो रही हो? मैं जॉगिंग भी कर रही हूँ, योग भी कर लिया है, तुम्हारा है कि अभी तक आलस ही नहीं उतर रहा है? जल्दी से उठो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। उमा की आवाज़ सुन योगिता की आँख खुलती है और वह बोलती है, क्या है माँ जी, अभी सुबह के 8 बजे हैं, आपको पता है ना मैं 10 बजे तक आराम से सोकर उठती हूँ, फिर क्यों मुझे इतनी जल्दी उठा रही हैं आप? आपको कुछ खाना है तो अपने लिए बना लीजिए ना, और मेरे लिए भी बनाकर रख देना, मैं उठूंगी तो खा लूंगी। इतना कहकर योगिता वापस से कंबल ओढ़कर सो जाती है। अपनी बहू का ऐसा आलस देखकर उमा को बहुत गुस्सा आता है और वह पैर धमकती वहां से चली जाती है। जिसके बाद उमा रसोई में जाती है और बढ़िया सा नाश्ता बनाती है। 11 बजे करीब योगिता सोकर उठती है, जिसके बाद वह रसोई में आती है और खाली डब्बे देखकर बोलती है, माँ जी आपने मेरे लिए कुछ बनाया नहीं क्या? मैं क्यों बनाऊँ तेरे लिए? तू मेरी बहू है या मैं तेरी बहू हूँ? समझ ही नहीं आता बहू, तेरे अंदर इतना आलस आखिर है ही क्यों? अरे मेरी उम्र देख, मुझे देख कर कोई बोलेगा कि मैं 40 बरस की हो गई हूँ, और खुद को देख जरा, 25 की उम्र में भी इतने 60 साल की बुढ़िया जैसे गुण है तुम्हारे अंदर। इतना आलस भी अच्छा नहीं होता है जितना तू करती है, बुढ़ापे में तो शरीर साथ ही छोड़ जाता है, इसलिए लोग खुद से कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तू तो अच्छी खासी होते हुए भी सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है। माँ जी जैसी भी हूँ, हर चीज तो घर की कर ही लेती हूँ ना, झाड़ू भी लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, साफ सफाई भी कर लेती हूँ, रसोई का काम भी कर लेती हूँ, और आपको क्या चाहिए मुझसे? ये सब करके तू अपनी मेहनताना को साबित नहीं कर सकती है, कछुए की चाल तो तू चलती है, आलसी है ही तू। अभी इतनी देर में उठी है, लेकिन अभी तक ना ही तो तूने कुछ काम किया है, और ना ही तू नहाई धोई है, और ना ही तूने खाना बनाया है। उमा की बात सुनकर योगिता फ्रेश होने के लिए जाती है और उमा योगिता के लिए कुछ खाने को बना देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ योगिता का आलस और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। सर्दी के दिन आना शुरू हो जाते हैं। सर्दी के दिनों में तो योगिता का आलस 100 का रिकॉर्ड भी तोड़ जाता है। वह रजाई में ही जमी रहती है। अब जो वो घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करती थी उसे करने से भी जाती है और खुद की सफाई पर ध्यान देना भी बिल्कुल बंद कर देती है। यह सब देखकर उमा को बहुत गुस्सा आता है और वह योगिता पर चिल्लाते हुए बोलती है, बहू ये सब क्या है, तूने घर की सफाई नहीं की है क्या? अपना कमरा तो साफ कर लिया होता, तेरी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिन से तू नहाई तक नहीं है। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप, कितनी सर्दी है, इतनी सर्दी में तो मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, बर्तन धोती हूँ तो पानी ठंडा लगता है, और आप नहाने की बात कर रही हैं, मुझसे नहीं होगा ये। बहू तू पागल हो गई है क्या, मैं इतनी ठंड में रोज सुबह वॉक करने के लिए जा रही हूँ, क्या मुझे सर्दी नहीं लगती है क्या? माँ जी आपको जो करना है करो, लेकिन प्लीज जबरदस्ती मुझसे कुछ करने को मत कहो, मैं नहाऊँ ना नहाऊँ, साफ सफाई करूँ या ना करूँ, इससे आपको क्या लेना देना है? जब देखो तब अपनी फुर्तीली होने का ताना देती रहती हो, मुझे अपने जैसा जबरदस्ती बना दोगी? ठीक कह रही है तू, अपने इसी आलस में ना तेरा यही आलस एक दिन तुझे डुबा देगा, फिर पता चलेगा बहू तुझे। इतना कहकर उमा वहाँ से चली जाती है। अब उमा योगिता को कुछ भी कहना बंद कर देती है, घर के सारे काम उमा खुद करती है। वहीं योगिता ना तो अपनी सास को कुछ करने से रोकती है और ना ही अपनी आदतों में कोई सुधार लेकर आती है। सारा दिन बेड पर पड़े रहने की वजह से धीरे धीरे योगिता का मोटापा बढ़ने लगा था। उसके घुटने और बाकी सारे जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो गया था। काफी पेन किलर्स खाने के बाद भी योगिता को दर्द में कोई आराम नहीं मिलता, जिसके चलते योगिता एक दिन अपने पति राजेश से बोलती है, सुनिए जी मेरे तो ना घुटनों में ज्यादा ही दर्द हो रहा है, 2 कदम भी चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, आज सुबह तो जब मैं फ्रेश होने गई थी ना तो मुझे बैठकर उठा ही नहीं गया, इतना ज्यादा दर्द है, ऊपर से मेरे पैर भी बहुत ज्यादा सूज गए हैं, कि क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि क्या दिक्कत है। राजेश योगिता को लेकर अस्पताल जा रहा होता है। उन दोनों को देख उमा बोलती है, बेटा इसे ना कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन तो इसका आलस ही है। इसकी तबीयत खराब इसके आलस की वजह से हुई है। मुझे देख, क्या मेरे अंदर तुझे कोई कमी नजर आ रही है? अरे जितनी दवाइयाँ इसने पिछले कुछ महीनों में खा ली है, उतनी दवाइयाँ तो मैंने आज तक खाई नहीं है। माँ जी, आपको अपने फिट होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं है क्या? यहाँ मेरी तबीयत खराब है और आपको अपनी फुर्तीली होने का प्रचार करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। आप तो वैसे भी यही चाहती है ना कि मैं खाट पकड़कर बैठ जाऊँ और आप मुझ पर हमेशा ताने कसती रहो। तुम क्या बोले जा रही हो? अगर माँ ने कुछ कहा है ना तो सही कहा होगा। तुम बहस बंद करो, चलो डॉक्टर के पास, आखिर बात क्या है वहीं जाकर पता चलेगी। राजेश योगिता को अस्पताल ले जाता है जहां डॉक्टर योगिता के ब्लड टेस्ट और काफी सारे टेस्ट करते हैं, जिनके बाद पता चलता है कि योगिता को गठिया बा का रोग हो चुका है, जिसके बारे में बताते हुए डॉक्टर्स बोलते हैं, देखिए आपको गठिया रोग हो चुका है, अभी इस उम्र में ये गठिया रोग होना ये तो सही नहीं होता है। वैसे ये बीमारी तो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को होती है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो ना ज्यादा चलते हैं ना फिरते हैं। लेकिन आप तो नहीं हो ना, तो आपको ये रोग कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी आपको ये रोग हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आप ज्यादातर समय बैठी रहती हैं या लेटी रहती हैं, ज्यादा काम नहीं करती है। देखिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, वरना आगे जाके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी। वो तो ये भी सकता है कि आपको उठने बैठने में आगे जाके किसी का सहारा लेना पड़ जाए। डॉक्टर की बात सुनने के बाद योगिता और राजेश घर आ जाते हैं। राजेश अपनी माँ को डॉक्टर की कही सारी बातें बताता है, जिस पर उमा बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था बहू तुझे कि अपना आलस छोड़ दे, अब भरी जवानी में बुढ़ो वाला रोग लगवा लिया ना तूने। बताओ इसकी तो उम्र ही नहीं है ऐसे रोग लगने की। अरे अभी तो अपना परिवार आगे बढ़ाना है तुझे। जो लड़की अपना आलस भी नहीं छोड़ सकती है, वो हमारे खानदान को क्या ही उजागर करेगी। माँ जी अब आप मुझे सुनाना बंद कीजिए, डॉक्टर की बातें सुनकर वैसे ही मेरा दिल बहुत ज्यादा डर गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे नहीं खानी है बहुत सारी दवाइयाँ। अगर यही बात तुम माँ की पहले समझ जाती ना तो ज्यादा अच्छा होता। अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। अब जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करियो, थोड़े दिन में तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और तुझे थोड़ा दर्द भी सहना पड़ेगा इसके लिए। इतना कहकर उमा योगिता को अगली सुबह से अपने साथ जॉगिंग पर ले जाना शुरू कर देती है। योगिता दर्द को बर्दाश्त करते हुए उमा के साथ हर दिन जॉगिंग पर जाती है और खूब चलती है। साथ ही उमा योगिता को मेडिटेशन और योगा क्लासेस भी ज्वाइन करवा देती है। धीरे धीरे योगिता का मोटापा घटना शुरू हो जाता है। हर रोज सुबह शाम उमा योगिता के घुटनों पर घर के बने हुए तेल और जड़ी बूटियों से मालिश करने लगती है और घर पर भी योगिता से काफी सारी एक्सरसाइज करवाती है। देखते ही देखते योगिता का गठिया बा का रोग बिल्कुल जीरो हो जाता है। योगिता के पूरे शरीर में अब किसी भी जोड़ में कोई दर्द नहीं था। यह सब देख योगिता बोलती है, माँ जी सच में आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मुझे समझ में आया कि फुर्तीली सांस होने के कितने फायदे होते हैं। एक आलसी बहू को आपने सिखाया है, मैं सब कुछ करूंगी ताकि फिर कभी मुझे ये बीमारी ना हो। चलो बीमारी के ही रास्ते ही सही बहू, लेकिन तुझे फुर्ती होने का लाभ तो समझ में आया। घर के कामों को भी झटपट करने से और काम में तेजी लाने से भी इंसान फुर्तीला बन जाता है। शरीर को समय पे खाना देना, शरीर को जितना जरूरत है उसे उतना ही आराम देना, ये सब चीजें अच्छी होती है शरीर को फुर्तीली बनाने के लिए। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, इसलिए मशीन को अगर टाइम पे तेल नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी, उसमें जंग लग जाएगा। हाँ माँ जी समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। अब आपकी आलसी बहू आलसी नहीं फुर्तीली बहू हो गई है। अब देखना इस फुर्तीलेपन में तो मैं आपको भी पीछे छोड़ दूंगी। योगिता की बात सुनकर उमा मुस्कुराने लगती है। इस तरह स्वस्थ दिनचर्या से योगिता अपने रोग पर जीत हासिल कर लेती है और उसका आगे का सारा जीवन सुधर जाता है और फिर वह कभी भी आलस की ओर कदम नहीं बढ़ाती है। सरला की बहू पूनम गर्भवती थी। अब ऐसे में पूनम जो कि शहर में रही थी, वो अपनी सास सरला को गांव से बुलाती है क्योंकि सरला काफी समय से गांव रह रही थी। अब जब सरला अपनी बहू पूनम के साथ रहने के लिए गांव से दिल्ली आती है तो सरला का रहन सहन तो बदला ही नहीं था। बहू तू आराम कर ले, मैं घर का सारा काम निपटा लूंगी,
वैसे मुझे यहाँ भी गांव जैसा ही लग रहा है ये खुला आंगन देखकर। हाँ माँ जी, मुझे भी शहर में ऐसा घर बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि आप तो जानती है यहाँ का घर कैसे बंद बंद से होते हैं। तभी तो मैं शहर नहीं आना चाहती हूँ, मुझे बंद घर में घुटन सी महसूस होती है। माँ जी हमें तो आदत है, लेकिन घर में ये आंगन मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ ये तो मैंने ही बनाया था लल्ला से जिद करके, वरना वो तो कुछ और ही सोच कर बैठा था। दोनों सास बहू बातें कर रहे थे कि तभी विमला का आना होता है। अरे रे रे सरला, तू कब आई? मुझे तो अब पता चला तुझे देखकर, बड़े दिनों बाद तुझे देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। तुझे भी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बता घर में सब ठीक तो है ना? सब अच्छे हैं। तू बता, कोई काम से आई है या घूमने का मन किया तो चली आई? तू तो जानती है कि बहू पेट से है और इस हालत में उसे ऐसे काम करने दूंगी क्या मैं? हाँ ये भी तू ठीक कह रही है। चल अब आ गई है तो शाम में घूमने चलेंगे पार्क में, ठीक है ना? अच्छा तो मैं चलती हूँ, तू अपना काम कर ले। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। इधर सरला अपने घर के कामों में लगी होती है, और जब घर का पूरा काम होता है तो सरला अपनी बहू को बताकर विमला के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। अरे विमला, मैं तो कहती हूँ कोई काम धंधा शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। अब इस उम्र में मुझे कोई अपने घर ना बुलाए, और तू है कि मुझे ये कह रही है कि मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूं। अरे मैं तुझे कौन सा किसी के घर में चौकीदारी करने को कह रही हूँ, मैं तो तुझे अपने काम के बारे में बता रही हूँ। तुझे पता भी है कि मैं महीने में कितना कमा लेती हूँ, पूरे 20-30 हज़ार तक कमा लेती हूँ। ऐसा क्या कर रही है जो तू इस उम्र में अच्छे अच्छे डिग्री वालों को फेल कर रही है, वो भी कमाई के मामले में? विमला ये पूछ ही रही थी कि तभी सरला को एक गाय सामने ही गोबर करती हुई दिखती है, जिसे सरला अपने हाथों से उठा लेती है। अब ये देखकर विमला अपना मुंह अपनी साड़ी के पल्लू से ढक लेती है। अरे सरला, ये तो क्या कर रही है? हर कोई तुझे ही देख रहा है, क्या कर रही है? मुझसे दूर ही रह। सरला फेंक दे उसे, तूने क्या किया? अरे यही तो वो राज है जिसमें मैं महीने में इतने कमा रही हूँ, और अच्छों अच्छों को मैं डिग्री में पीछे छोड़ रही हूँ। छी सरला, तू ये क्या बोल रही है? भला कोई गोबर से भी इतना कमा सकता है क्या? मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि तू इस गोबर से करती क्या है? अरे विमला, तू तो मुझसे ऐसे भाग रही है जैसे आज से पहले तूने कभी गोबर के उपले नहीं बनाए। अरे सरला, मैंने गोबर का उपला भी बनाया है, गोबर से घर भी लिपाई की है, लेकिन तेरी तरह ऐसे काम नहीं किया। तू इसे फेंक, सब हमें पागल समझ रहे हैं, अपनी भी इज्जत है सरला। अच्छा तुझे वो पान वाला बुड्ढा देख रहा है ना, तभी तू इतना इतरा रही है। चल तू पीछे से आना, मैं चलती हूँ, वरना तेरा सेट किया हुआ बुड्ढा बुरा मान जाएगा। इतना कहने के बाद ही विमला तो वहीं रुक जाती है, लेकिन सरला अपने घर आती है और अपने आंगन में रखे एक बड़े से ड्रम में गोबर रख देती है। और उस समय घर में पूनम भी थी और वो सो रही थी, और सरला उस ड्रम को ढक देती है। सरला, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने तो आज मेरी नाक ही कटवा दी। बता, ऐसे कोई गोबर हाथों से उठाता है? अच्छा कल से हाथों में पन्नी पहन लूंगी, फिर तो ठीक रहेगा ना, तेरी नाक भी बची रहेगी और मेरा काम भी बन जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुझे किस चीज की दिक्कत है जो तू इन गोबर से उपले बनाएगी? अरे विमला, तू अभी भी नहीं समझी, इस गोबर से मैं गैस बनाऊंगी। सरला, तू ये कैसी बातें कर रही है? भला गाय के गोबर से तू कैसे गैस बना सकती है? सबको तो खुद का गैस बनता है, और वो भी खाने के बाद। और मुझे तो आजकल कुछ ज्यादा ही गैस बनने लगा है। धत विमला, तू भी ना कैसी कैसी बातें कर रही है। तू जैसे बात कर रही है मैं भी उसी हिसाब से बात कर रही हूँ, इसमें बुरा क्या है? मैं गोबर गैस की बात कर रही हूँ, गोबर से जो गैस बनती है ना, जिसे हम अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। तू रहने दे, मैं अभी कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसे पैसों का क्या करना है? नाना सरला, मुझे नहीं कमाना। सरला तो अपने गांव में गोबर की गैस बनाती थी, लेकिन जब वो शहर आती है तो वो सोचती है कि वो जितने महीने यहाँ रहेगी उतने दिन गोबर जमा करेगी, और जाती वक्त उससे जितने भी गैस का उत्पादन होगा उसे बेचकर वो गांव चली जाएगी। अब अगली सुबह। माँ जी, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ आपके कामों में। नहीं नहीं बहू, बस तू थोड़ा चल लिया कर, बाकी घर का काम करने में तो एक्स्ट्रा ही हूँ मैं। माँ जी, अरे वो एक्सपर्ट होता है। अरे बहू, हमारे समय में स्कूल जाने पर भी रोकती, ये सब तो मैं सुनकर बोल देती हूँ, बाकी स्कूल में तो कभी गई नहीं, और फिर भी मेरी इंग्लिश इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी,
अब सरला हर रोज घर का काम करने के बाद विमला के साथ जाती और गाय का गोबर पन्नी में भर कर लाती और अपने आंगन में रखे ड्रम में रख दिया करती। ऐसे ही एक रोज रात के समय विमला और सरला घूम रहे थे, तभी एक गाय गोबर करती हुई दिख जाती है और सरला खुद ही मुंह छुपाते हुए कहती है, अब तो ये जरूर ये जानवरों की टट्टी उठाने जाएगी। विमला निकल ले इससे पहले कि तेरी बेइज्जती हो। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही पतला है, लगता है गाय का पेट ठीक नहीं है, जरूर उल्टा सीधा खा लिया होगा तभी इसका पेट खराब हो गया है। अब सरला अपने घर आती है और हर दिन की तरह उसी ड्रम में गोबर रख देती है और अब अगले रोज सुबह सुबह सरला के आंगन से बदबू आ रही थी। माँ जी मुझे ना बहुत दिनों से घर में ना कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही है और ये तो बदबू मुझसे बर्दाश्त हो भी नहीं रही। बदबू? बहू कैसी बदबू, जरा बता तो सही, तभी तो मैं समझूंगी ना कि तू किस बदबू की बात कर रही है। माँ जी बदबू का मतलब बदबू ही होता है, बदबू का कोई टाइप थोड़ी होता है। बहू लेकिन मुझे यहाँ पर कई तरह की बदबू आ रही है, मैं तुझे कैसे समझाऊँ, लेकिन मैं देखती हूँ क्या सड़ रहा है। अरे क्या बात है, सास बहू में क्या बातें चल रही है। अरे विमला आंटी आपको भी अजीब सी बदबू आ रही है क्या, मैं कब से माँ जी से कह रही हूँ तो माँ जी कह रही है कि कैसी बदबू। अरे बहू अब तेरे घर से बदबू नहीं आएगी तो क्या मेरे घर से बदबू आएगी। अरे तू कहना क्या चाहती है, मेरे घर में साफ सफाई नहीं होती है, पूरे एक टाइम सफाई करती हूँ मैं पूरे दिन में, वो भी मैं खुद ही करती हूँ। अरे सरला घर में तेरे किसने कहा है साफ सफाई नहीं रहती है, बल्कि जो तूने आंगन में गंदगी फैला रखी है उससे तो मैं कई दिनों से तेरे घर भी नहीं आ पा रही। अरे वो तो बिजनेस है, तू तो जानती है ना। क्या है माँ जी उस ड्रम में? तेरी सास ने उसमें गोबर इकट्ठा कर रखा है, यही तेरे आंगन में, जाकर देख। और इसी बदबू ने तेरा ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर रखा है। अब जब पूनम उस ड्रम का ढक्कन हटाकर देखती है तो उसमें गोबर सड़ रहा होता है, जिसे देखकर पूनम अपनी सास से कहती है, माँ जी ये सब क्या है, मुझे पता है आप गांव में गोबर से गैस बनाती हैं, लेकिन ये यहाँ संभव नहीं है। माँ जी मैं इसे अभी फेंकती हूँ, वरना MCD वालों को पता चला तो अच्छा खासा चलान काट देंगे। अब इस तरह पूनम अपनी सास को समझाती है और सरला भी पूनम की बात मान जाती है, और तो और वो ये फैसला लेती है कि अब जब वो गांव जाएगी तो ही वो अपने गोबर से गैस बनाने का काम करेगी जो वो करती आई थी। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सविता की चारों बहुएं, बहुओं बड़ी बहू पूनम, दूसरी बहू प्रीता, तीसरी बहू नीता और चौथी बहू पूजा बहुत ही संस्कारी थी। सविता अब अपनी पांचवी बहू की तलाश में लगी थी कि किसी तरह उसको अपनी पांचवी बहू भी ऐसी ही संस्कारी मिल जाए। इसीलिए सविता अपने बेटे के लिए कई सारे रिश्ते देखती है कि कोई तो उसे अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की देगा। एक दिन सविता और उसकी चारों बहुएं अपने पांचवें बेटे अनुज के साथ अपनी पांचवी बहू की तलाश में कोयल के घर जाते हैं, जहां सविता से कोयल कहती है, कोयल बेटा तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, घर में कोई बड़ा होगा ना उसे बुलाओ। माफ करना आंटी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, माँ बाप को गुजरे हुए एक अरसा हो गया, वो तो चाची ने मुझे कहा था कि आप लोग मुझे देखने के लिए घर आ रहे हो। माँ जी कितनी अच्छी लड़की है ये, माँ बाप नहीं है लेकिन संस्कार तो खूब है इसमें। जी कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं कहा। क्यों अनुज कैसी लग रही है कोयल तुझे? माँ मुझे भी कोयल काफी अच्छी लगी, अब इसके आगे आप लोग जो बोलोगे वही होगा। आप लोग बैठिए, मैं आप सभी के लिए कुछ खाने के लिए अभी लेकर आती हूँ। कोयल रसोई की तरफ जा ही रही थी कि तभी प्रीता कहती है, कोयल जरा मुझे वॉशरूम बता दो किस तरफ है। बहू तुझसे थोड़ी देर रुका नहीं जाता है क्या, जहाँ भी जाती है बस बाथरूम ही देखने लगती है। माँ जी हम बस में आए हैं, लोगों को बस में उल्टी होती है लेकिन मेरा तो पेट ही खराब हो जाता है, सच में माँ जी थोड़ी देर और रुकी तो पक्का कुछ गलत हो जाएगा। आंटी जी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, चलिए मैं आपको वॉशरूम तक ले जाती हूँ। पहली नजर में ही सविता और उसकी चारों बहुओं को कोयल काफी ज्यादा पसंद आती है और कुछ ही दिनों में सविता कोयल को अपने छोटे बेटे अनुज के साथ शादी तय कर देती है और धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अनुज बाकी सबके साथ बारात लेकर कोयल के घर जाता है और धूमधाम से शादी हो जाती है। अनुज शादी के बाद कोयल को अपने घर लाता है और तभी सविता अपनी चारों बहुओं को समझाते हुए कहती है, आज तुम चारों की सबसे छोटी देवरानी का गृह प्रवेश है,
घर में, तो इस बात का तुम चारों को ही ध्यान रखना है कि कोयल को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। माँ जी आप टेंशन मत लो, हमारी छोटी देवरानी को हम किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है तुम चारों पर, लेकिन अगर कहीं भी भूल चूक हुई ना तो। माँ जी आप खामखा ही चिंता कर रही हो। अरे जिस सास के 5 बहुए हो, भला उन्हें किसी चीज की चिंता लेने की क्या जरूरत है। माँ जी अब तक सबसे छोटी देवरानी मैं थी, तो अब मेरी भी देवरानी आ रही है, तो जितना मेरा ख्याल रखा गया अब तक वैसे ही हम भी ख्याल रखेंगे। हाँ माँ जी, अगर अब हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो क्या होगा। अब तो देवर जी देवरानी जी को लेकर घर में आ रहे होंगे ना, तो हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अरे हाँ हाँ बहुओ, सारी तैयारी हो गई है ना, कुछ रह तो नहीं गया ना। नहीं माँ जी, कुछ नहीं रहना है, सब कुछ हो गया है। सविता और चारों बहुएं काम में लग जाती हैं, और कुछ देर बाद सविता की 5वीं बहू कोयल अपने पति अनुज के साथ आती है, और सभी रिश्तेदार घर में आए हुए थे बहू के स्वागत के लिए। सब लोग मिलकर कोयल का बहुत प्यार से अपने घर में स्वागत करते हैं। कोयल के आसपास उसकी चारों जेठानी बैठी होती हैं। तभी कोयल कहती है, दीदी। क्या हुआ कोयल, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? दीदी वो मुझे बाथरूम जाना है। नीता जरा कोयल को बाथरूम लेकर तो जा। नीता कोयल को बाथरूम लेकर जाती है। कोयल बाथरूम में थोड़ी हल्की होती है, तब जाकर उसे ठीक लगता है, और फिर बाद में रस्म के लिए वो वापस शामिल हो जाती है। रस्में चल रही थी, इस दौरान नीता के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है। नीता एक कोने में जाती है और कहती है, अरे मेरे पेट को क्या हो गया, सुबह ही मैंने खाना खाया था, उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है, फिर अचानक से मेरे पेट से आवाजें क्यों आने लगी। अरे बाप रे, अगर ज्यादा देर यहीं खड़ी रही तो पक्का कुछ विस्फोट तो हो ही जाएगा, और नई बहू के आगे मेरा पोपट बन जाएगा। नीता पेट पकड़कर वहां से जल्दी से बाथरूम की ओर भागती है, क्योंकि शादी की रस्मों के बीच अचानक ही नीता का पेट खराब हो जाता है। नीता वॉशरूम में गई ही थी कि दरवाजा खटखटाते हुए पूनम कहती है, अरे भाई कौन है अंदर, जल्दी निकलो, मेरे पेट की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कौन है जल्दी बाहर आओ। नीता बाथरूम से बाहर आती है और पूनम बोलती है, अरे इतनी देर से मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई तो दे रहा है दीदी, लेकिन पेट खराब है मेरा, और इसलिए मैं बाहर नहीं आई। आप भी ना, आपको अभी ही दरवाजा तोड़ना है, हटो हटो मुझे अंदर जाने दो। अभी अंदर से ही आई हो ना तुम, एक काम करो कुछ देर बाहर आराम करो, अभी तो शायद मेरा भी पेट खराब हो गया है, तुमसे ज्यादा तो मुझे ही बाथरूम जाने की जरूरत लग रही है, हटो। इतना बोलकर पूनम नीता को हटाकर खुद ही बाथरूम में चली जाती है। नीता पूनम के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पेट तो नीता का भी खराब था ना। तभी सामने से साड़ी उठाकर पूजा चली आती है, और नीता को साइड हटाकर दरवाजा पीटने लगती है। ये देखकर नीता कहती है, अरे क्या हो गया आपको, ऐसे कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी जो इतनी तेजी में आ रही हो, और घर में मेहमान आए हुए हैं, अपनी साड़ी क्यों उठाई हुई है आपने, माँ जी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। माँ जी का गुस्सा सह लूंगी, लेकिन अभी जो बवंडर मेरे पेट में आया है ना, वो नहीं मुझसे सहन होगा। अरे अंदर कौन बैठा है, बाहर आओ ना जल्दी। अंदर पूनम दीदी बैठी है, उनका भी पेट खराब हो गया है, मैं खुद उनके बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पेट के अंदर तो बवंडर भी शांत नहीं हो रहा, रह रह कर उछल रहा है। अरे पूनम दीदी जल्दी बाहर आ जाओ, वरना मेरे पेट में जो कुछ भी है वो तो पक्का बाहर आ ही जाएगा, इसके बाहर आने से पहले आप ही बाहर आ जाओ ना दीदी। अरे मैंने नंबर लगाया हुआ है, पूनम दीदी के निकलने के बाद मेरा ही नंबर है, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा, लेकिन मैं भी तो रुकी हूँ ना, अब तुम भी रुक जाओ। पूनम दीदी बाहर लाइन लग गई है, मुंह दिखाई करवाओ, आप बाहर जल्दी आओ। नीता और पूजा पूनम के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में पूनम बाहर आती है, जैसे ही पूनम बाहर आती है कोई अंदर जाए, उससे पहले ही प्रीता भागकर अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर पूजा कहती है, अरे प्रीता दीदी यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा है, जो आप भागकर अंदर चली गई, यहाँ बहुत गंभीर मामला है, मजाक मत करो, बाहर आओ जल्दी से। हाँ बाहर आओ, यहाँ पहले मेरा नंबर था, फिर पूजा का नंबर था, और जल्दी से भागकर तुम अंदर चली गई। ये कोई मजाक नहीं है, और ना ही मैं कोई खेल रही हूँ, मेरे पेट अचानक से पता नहीं क्यों इतना ज्यादा खराब हो गया, रसम में बैठी थी, पेट से विस्फोट की आवाज आने लगी। चारों बहुएं थी बाथरूम के बाहर लाइन में खड़ी हुई कि तभी कोयल भी आ जाती है।
क्योंकि उसका पेट भी कुछ ठीक नहीं था और वो भी लाइन में लग जाती है। घर में रसम है और पांचों बहुओं को गायब देखकर सविता अनुज को बुलाती है और उसे कहती है, अनुज बहुए कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही, तूने उन्हें कहीं जाते हुए देखा क्या? माँ मैंने सबको बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा था, आप एक बार देख लो वहाँ। अनुज की बात सुनकर सविता बाथरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी सारी बहुएं वहाँ पर अपना पेट पकड़ कर बैठी हैं और ये सब देखकर सविता कहती है, तुम पांचों वहाँ क्या कर रही हो? घर में मेहमान आए हैं और तुम सब यहाँ हो? माँ जी हम पांचों का एक साथ पेट खराब हो गया है। तुम लोगों को कुछ बोलने से अच्छा है मैं पहले ही मेहमानों को मना करके आती हूँ। इतना बोलकर सविता मेहमानों के पास जाती है और बोलती है, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने ही आप सबको यहाँ बुलाया और मैं ही जाने के लिए बोल रही हूँ, वो दरअसल अचानक से पेट खराब हो गया है तो इन रस्मों को यहीं रोक रही हूँ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।